हाई स्कूल और इंटरमीडिएट करने के बाद बच्चों को सबसे ज़्यादा अपने करियर की चिंता सताती है और सबसे अधिक परेशानी यह रहती है कि वे नौकरी के लिए होने वाली प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी कहाँ करें। कई बार अच्छी प्रतिभाएं धन के अभाव में शिक्षा से वंचित रह जाती हैं। उन्हीं के समाधान के लिए फिरोजाबाद में संकल्प करियर विज़न के तहत ऐसी प्रतिभाओं को ध्यान में रखते हुए आज नगर के इस्लामिया इंटर कॉलेज में एक प्रवेश परीक्षा का आयोजन संकल्प करियर विज़न के द्वारा किया गया, जिसमें लगभग 500 छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया। और साथ ही साथ संकल्प करियर विज़न की MD रश्मि राठौर ने बताया कि इस परीक्षा में प्रतिभाग करने वाले छात्र छात्राओं में जो भी टॉप 40 में आएंगे उनको संकल्प करियर विज़न की तरफ से पूर्णतः निःशुल्क परीक्षा की तैयारी कराई जाएगी। 10th और 12th पास करने के बाद से ही बच्चों में आजकल ये चिंता सबसे अहम होती है कि वे अपने करियर को लेकर के क्या करेंगे। तो ऐसे करियर को लेकर के जो सवाल उनके मन में उठते हैं, उनके लिए संकल्प करियर विज़न जो है उसने आज एक प्रतियोगिता रखी है, जिसके माध्यम से वो उनके बच्चों में जो बच्चे उस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको वो निशुल्क शिक्षा जो है, बच्चों की तैयारी जो है वो निशुल्क कराएंगे। उसके लिए विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां ये लोग कराते हैं। और आइए, आज हमारे पास यहाँ पर कुछ बच्चे हैं जिन्होंने आज ये प्रतियोगिताएं दी हैं, तो वो जो परीक्षा दी है, तो इस जो उन्होंने प्रवेश परीक्षा कराई है उसमें बच्चों का क्या कहना है उनसे जानेंगे। क्या नाम है आपका? तनीषा शर्मा। शर्मा जी, क्या करने आई हैं आप यहाँ पर? ये एग्जाम था, एग्जाम क्लियर करने आया। अच्छा, एग्जाम क्लियर करके क्या होगा? क्लियर करके रैंक अच्छी आनी है, मतलब रैंक अच्छी आनी चाहिए तो कोचिंग लेंगे यहाँ पे। कहाँ का कोचिंग लेंगे? यही संकल्प करियर विजन में। खुशी अग्रवाल। खुशी, खुशी आप क्या करियर का, आपके करियर का विजन क्या है? बैंक में जॉब करनी है और है ना, मतलब सहयोग देना है देश के लिए, अपना देश की सेवा के लिए। यहाँ क्यों आए आप? एग्ज़ाम क्लियर करने, जिससे कि हमें अच्छी कोचिंग मिल सके, ठीक मिल सके। मेरा नाम आशीष लोयल है और ये कराया गया है SSC संकल्प कोचिंग क्लासेस दूर। SSC के लिए मैं पेपर भरना है CHSL का, कम्बाइंड हायर सेकेंडरी लेवल का, इसलिए मैंने डाला ताकि मुझे थोड़ा डिस्काउंट मिल जाए कोचिंग सेंटर्स में, इसलिए मैंने अप्लाई किया था उसके लिए। सर, पेपर देने आए संकल्प? पेपर किस चीज़ का देने आए हैं? UPSC और रेलवे SC। और मैंने अभी विवेक सविता और मैं अपना एग्ज़ाम देने आया हूँ। एग्ज़ाम देख के क्या होगा? एग्ज़ाम देके मेरा अच्छा हुआ कैरियर, मतलब और मैं ये करना चाहता हूँ कि मेरा अच्छा होगा और कैरियर। करियर में क्या बनना चाहते हैं? इंडियन पुलिस। दरअसल मैं पेपर देने आया था यहाँ पर SSC का। मुझे पेपर देना भी अच्छा लगता है, कॉम्पिटिशन में भाग लेना भी अच्छा लगता है। तो वैसे तो मेरा एम था इंडियन आर्मी में लगना, तो बस वही है। और सपना अगर मैं लग भी जाऊँ तो पेपर में देने आया था कोचिंग के लिए, मुझे कोचिंग चाहिए थी कोई अच्छी सी, तो इसलिए मैंने इसमें पेपर दिया था। किस कोचिंग के थ्रू ये आज का एग्ज़ाम कराया गया? संकल्प क्लासेस, उसके थ्रू। हाँ, उसमें SSC और UP पुलिस का पेपर कराते हैं, टेस्ट कराते हैं, तो मैंने इसलिए दिया था इसमें। जैसे कि कोई भी गवर्नमेंट जॉब, जैसे UP पुलिस या कोई भी लेखपाल वगैरह की, जो मुझे अच्छी लगेगी मेरा उसमें इंटरेस्ट होगा। अभी क्या किया हुआ है आपने? मैंने अभी 12th पास है, BCOM में एडमिशन लिया है। शीतल। शीतल, शीतल क्या किया हुआ है अभी आपने और यहाँ पर क्यों आए हो आप? हम पेपर देने आए हैं संकल्प विजन करियर का और बहुत अच्छा पेपर गया है हमारा। सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार, और मेरा नाम है रश्मि राठौर, मैं संकल्प करियर विज़न की संचालक हूँ। और हमने आज यहाँ पर एक प्रतियोगिता का आयोजन करवाया, जिसका उद्देश्य यह है कि जो छात्र, मतलब ऐसी प्रतिभाओं को बाहर लेकर आना है कि जो आगे जाकर, बहुत से ऐसे होते हैं कि मजबूर हैं, किसी मजबूरी के कारण अपना आगे तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, तो हम एक प्रतियोगिता का आयोजन करते हैं जिससे वो बच्चे उभर कर हमारे सामने आए और हम अपनी कोचिंग के द्वारा उन्हें शिक्षित कर सके, जिससे आगे वो किसी कंपटीशन एग्ज़ाम में जाकर बैठ सके और अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सके और सिलेक्शन या जॉब पा सके। तो उस उद्देश्य की वजह से संकल्प करियर विजन ने आज एक प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसका सेम पैटर्न वही था,
जो बाहर एग्जामों में एंट्रेंस एग्जाम में यानी प्रतियोगिता परीक्षा में जो आता है उसी तरीके का, इस उद्देश्य से हमने ये प्रतियोगिता करवाई। लगभग कितने बच्चे शामिल हुए इसमें? आज 450 के लगभग बच्चे शामिल हुए और मुझे बहुत खुशी हुई कि काफ़ी ज़्यादा बच्चों ने भाग लिया, बच्चे आए और अपना बच्चे इसमें से पास आउट करेंगे या अच्छे मार्क्स लाएंगे उनके लिए आपकी तरफ से कोई विशेष सुविधाएं? हाँ, हमने उनके लिए विशेष सुविधा ये रखी है कि जो बच्चे अच्छे मार्क्स से आते हैं या इनके रैंक बहुत अच्छे लेवल पर आती है, हम उन्हें निःशुल्क शिक्षा ग्रहण करवाएंगे।